दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि जब हम गाड़ी कार ड्राइव करते हैं तो आगे के व्हील्स में एक अलग टाइप की खड़र खड़र की आवाज़ आती है जो कि ब्रेक कैलिपर की आवाज़ होती है। तो ब्रेक कैलिपर में कभी कभी ग्रीसिंग कम हो जाने के कारण भी ये आवाज़ प्रोड्यूस होती है। हालांकि जो सर्विस शेड्यूल होते हैं गाड़ी के, उन सर्विस शेड्यूल में हर सर्विस में कैलिपर ग्रीसिंग की जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि कैलिपर ग्रीसिंग कर लेनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कार के जो व्हील्स में जो कैलिपर ग्रीसिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कैलिपर ग्रीसिंग मतलब एक टायर में मैं आपको करके बताऊंगा कि इसमें क्या प्रोसीजर होती है और किस तरह से हम उसमें ग्रीसिंग करेंगे, कैसे उसको खोलेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी को समतल जगह पर लगा के और मैं जैक लगा के और व्हील को बाहर निकालूंगा। दोस्तों जैक लगाने के पहले हमें गियर में गाड़ी डालना है, हैंड ब्रेक लगाना है प्रॉपर, उसके बाद में हो सके तो आप ओड भी लगा दें ताकि इससे जो है सुरक्षा ज़्यादा सुनिश्चित हो जाती है। तो अब हम जैक लगाएंगे और मैं सबसे पहले व्हील खोलूँगा। दोस्तों जेक लगाते हैं जब हम, तो जब व्हील बाहर निकालें तो उस टाइम पे गाड़ी को थोड़ी सी हिला के देख लें कि कोई ज़्यादा ऐसा डक डक तो नहीं कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत जेक लगा लेते हैं तो इससे दुर्घटना होने की जो आशंका रहती है वो बढ़ जाती है। तो ये सुनिश्चित कर लें पहले कि जेक आपका प्रॉपर लगा है, उसके बाद में फिर इसको बाहर निकाल लें। अब कैमरा में पास में ले जाके आपको बताता हूँ कि कैलिपर कैसे खोलना है और कैलिपर क्या होता है। सो दोस्तों ये डिस्क होती है और यहाँ पर जो होती है कैलिपर पिन होती है, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर जो होते हैं ये ब्रेक शू होते हैं। तो अक्सर क्या होता है ये यहाँ से जो आवाज़ है ये आती है, अभी तो ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आवाज़ जो आती है वो इन पिनों से आती है। तो इनके लिए हमको क्या करना है, सिंपल सा तेरह नंबर की जो चाबी है, तेरह नंबर का जो पाना है उससे इनको खोल लेना है। तो दोस्तों तेरह नंबर के पाने से इन दोनों नट को खोल लेना है। ये नट खोलने के बाद में इसको बाहर निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद में ये दो पीने होती हैं, ये पीन, ये ऊपर की पीन है और एक नीचे की पीन होती है। तो इसमें ऐसे तो ग्रीस लगा हुआ है लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इसमें जो है ग्रीसिंग करना है, तो अभी मैं इसको साफ़ करके एक बार वापस से ग्रीसिंग कर देता हूँ। साफ भी कुछ नहीं करना है, हल्का सा इसको कपड़े से पोंछ के और थोड़ा सा इसमें ऐसे ग्रीस लगा देना है।
ग्रीस लगाने के बाद में इसको वापस से ऐसे बिठा देना है ये। सेम ऐसा ही हमको नीचे की तरफ भी करना है। ये जो नीचे वाली है ये पूरी ड्राई है, तो इसको थोड़ा हमें अच्छे से और साफ करके, यही होती है कैलिपर पिन जिसके कारण से जो खटखट खटखट की आवाज़ आती है, और सडन से कभी हम उस पर उस टाइम पे ब्रेक दबा देते हैं तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो ये कैलिपर में ग्रीसिंग हालांकि करते हैं, हर सर्विस पे करते हैं कंपनी वाले, हर गाड़ी हर कंपनी करती है, लेकिन कभी अपने को करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो ये इस तरह से होती है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी इसमें सावधानी रखना पड़ती है। ये प्रॉपर ग्रीसिंग इसकी हो गई है, अब इसको हम वापस एज इट इज़ फिट कर देंगे। दोस्तों जब आप कभी इसको खोलो ये वीडियो देख के, तो एक बात का ध्यान रखना कि इसको लगाने का एक तरीका होता है, इसमें एक लॉक आता है। ये आपको मैं कैमरा पास में करके बता देता हूँ, ये एक लॉक होता है, इसको हम ऐसा रखेंगे तभी ये ढंग से कसाएगा। अगर इसको हमने कभी ऐसा खड़ा रख दिया तो फिर वो नट जो है नीचे का ये प्रॉपर कसा नहीं पाएगा। तो इसको हमेशा ऐसा खांचे में रखें इस टाइप से, तो ये अपनी जो नियत स्थिति है उससे फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने वापस लगा दिए हैं, अब ये कंप्लीट है, इसकी ग्रीसिंग कर दी है, अब हम पुनः इसमें जो है अपना टायर लगा देंगे।
तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैलिपर ग्रीसिंग हमको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अक्सर जब हम सर्विस पर लेकर जाते हैं इसको, गाड़ी को, कोई सी कंपनी की हो, कोई सा भी ब्रांड हो, हर गाड़ी की कैलिपर ग्रीसिंग हर सर्विसिंग के दौरान होती है। कैलिपर क्या है कि एक काइंड ऑफ एक डिस्क और इसके बीच में दो पीने रहती है, जिससे कि जो हमारे जो कैलिपर हैं वो कसे हुए रहते हैं। तो उनकी जो कैलिपर की जो पिन होती है, उनमें कई बार थोड़ी सी लूज़ ग्रीसिंग वगैरह का ग्रीस कम हो जाती है, तो अक्सर वहाँ से खटर खटर की आवाज़ आती है। ये थोड़े मीडियम रेंज के जब रोड आते हैं या फिर जो रंबल स्ट्रिप टाइप के जो टेपर्स आते हैं, वहाँ पे अक्सर ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम घर पे करना चाहें तो हम इजीली उसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें सावधानी आपको रखना ज़रूरी है, और प्रॉपर तरीके से उसके स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉलो करें तो आसानी से हम घर पे इसको कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं एक बात का आपको बताना चाहूँगा कि जब जेक लगाएं आप गाड़ी में, तो अपनी पूरी सावधानी रखें, अच्छे से उसको सुनिश्चित कर लें कि गाड़ी समतल है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, गियर में है, और इसके बाद भी आप चाहें तो ओट लगा दें। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी तरह से ओट वोट लगा के अपनी सावधानी का ध्यान रखते हुए आप ये प्रोसेस को फॉलो करें। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। जब भी आप बाइक चलाएं हेलमेट पहने, और जब कार चलाएं तो सीट बेल्ट पहने।